गाइस वेलकम बैक टू नाजायज होटल। और जैसा कि तुम सबको याद होगा इससे पिछले एपिसोड में मैंने रूम नंबर 2 भी रेडी कर दिया था। बाकी मैंने फ्यूल बेच के बहुत सारा पैसा कमाया था और बचा अपना स्टोर उसको भी पूरा रेडी कर दिया था। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारा सामान मंगवा के रखवा दिया था, इतना ज्यादा मंगवा दिया था कि भाई आधा सामान तो बाहर ही पड़ा हुआ है। तो भाई आज के दिन चलते हैं और रूम 3 रेडी करते हैं। और भाई 2 रूम तो रेडी है ही, तो मस्त पैसा आने वाला है, लेट्स गो। ओके गाइस अभी मैं गेम में आ चुका हूं और यहां पे लोग बाग जा रहे हैं। और भाई यहां के लोग बाग है ना देखो अजीब से हैं। देखना ये कैसे जाते हैं, ये देखो ये कैसे जा रही है भाई, अजीब अजीब से लोग बाग हैं, पता नहीं क्या ही करते रहते हैं। बाकी अबे किधर जा रहा तू साले, बदमाश बनेगा बदमाश। बाकी भाई हां इससे पिछले एपिसोड में मेरे दोनों रूम खाली थे, ये देखो ये रूम भी खाली है और ये रूम भी खाली है। और इस रूम के अंदर तो भाई कुछ अलग ही चमक बनाई थी मैंने। और फॉल सीलिंग हो रखी है तो मैं लग रहा हूं कि ऊपर कुछ नहीं हो रखा, ऊपर की साइड फॉल सीलिंग हो रखी है। और ये भी डबल बेडरूम है और ये भी डबल बेडरूम है। बस अब इन दोनों बेडरूम्स को मेरे को किराए पे देना है, जो दो बेडरूम लेने वाला आएगा बस उसी को दूंगा मैं। शॉप पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उस शॉप पे जाके मैं उसको फ्री कराता हूँ। जल्दी से चलते हैं। बाकी अब मैं फ्यूल टैंक भी भरवाने वाला हूँ, पैसा आ जाए बस आज के दिन थोड़ा सा। हाँ भैया बता क्या लिया तूने। ओके 4 रुपए का आइटम लिया। यार यहाँ पे ना ज्यादा आइटम खरीदते नहीं है लोग बाग, देखना ये कैसे चलते हैं भाई, कैसे कैसे तो चलते। कोई बात नहीं छोड़ो, अपने को क्या, अपने को बेचने का है, कैसे भी चले लोग अपने को। लेकिन यार सामान है ना ये खरीदते हैं नहीं ढंग से। ओके चलो भाई सबका काम कर दिया है, अभी मेरे पास पैसे है 116 रुपए। और अंदर अपने यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, लेट्स गो। आ गए अपन यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई मैडम आ जाओ इधर। अरे उधर कौन सा पाथ है भाई, उधर क्यों जाते हो, इधर आओ ना भाई। साले पागल, अरे हराम खोर लोग हैं भाई, कचरा फैलाने गई थी वो, कचरा पेटी दिख रही तेरे को वहाँ पे, मेरा ऑफिस है वो। 1 बेडरूम तेरी है ना, भाड़ में जा। नहीं ये रूम ला, बुद्धि लगाते कचरा फेंकी भाई, देखा ना तुम लोगों ने, वहाँ खड़ी हुई 2 मिनट फिर कचरा फेंकी उसने। अरे हराम खोर लोग हैं, हराम खोर लोग। रुक जाओ भाई मैं कस्टमर्स का वेट करता हूँ जब तक सो जाता हूँ, और तो क्या ही करूँ। इतनी देर में शॉप पे भी लोग बाग आ जाएंगे और अपने यहाँ पे भी लोग बाग। ओके कस्टमर एट द शॉप और यहाँ भी आने लग गया है। चलो पहले शॉप वाले को निपटा के आते हैं और फिर अपन अपनी दुकान में चलेंगे। दुकान कह रहा हूँ मैं, अरे दुकान नहीं है ऑफिस। चलो भाई ये मैंने कर दिया है, ये इधर कूड़ा करकट फैला के जा रहे हैं लोग बाग, ये भी उठा देता हूँ। लोगों को शर्म नहीं है भाई, मुंह के सामने उसने वो फेंक दिया मेरे केला। केला था वो क्या था, अरे बनाना था, बनाना। अरे बनाना और केले में कोई अंतर, भाई इसने भी ये फेंका है, इसने भी अभी अभी ये फेंका है। ये कैसे कैसे लोग आते हैं, घटिया घटिया लोग बताओ। 1 बेडरूम चाहिए 96 आवर्स के लिए, यार इसी ले तो बहुत टाइम के लिए रहा है। होल्ड ऑन कर भाई तू, होल्ड ऑन कर। और कोई आ रहा है क्या यार, जल्दी जल्दी आ जाओ ना, इसमें से एक बेड निकाल लिया जाए क्या कहते हो। तो अपन तीसरा बेड है ना रेडी कर देंगे, 1 बेडरूम लेने वाले आ रहे हैं अभी फिलहाल, तो क्यों ना इन सबको निकाला जाए। एक येलो, ये केलो, एक केलो, एक केलो, ठीक है। और इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। चलो भाई ये रूम मैं देने वाला हूँ 1 बेडरूम, ठीक है। एक टावल उठा लो इसमें से, बस बाकी सब इसको देना है। ये वाला बगल वाले रूम में लगा देंगे, ठीक है, जब तक ये खाली नहीं करता। इस लाइट को उठा के अपन लगा देते हैं यहाँ पे और ये बन गया अपना 1 बेडरूम सेट। चलो भाई लेट्स गो, इसको मैं दे देता हूँ इसको। ले भाई तू लेना चाह रहा ले ले तू, ठीक है, तू गंदा आदमी तो है खैर, लेकिन तू ले ले। एक सेकंड रुक, एक सेकंड। ये चाबी दूसरे नंबर का कराया ना मैंने काम, ये हाँ ठीक है 1 बेडरूम दूसरे नंबर का है अपना भी। चलो अभी दूसरे नंबर की उठाओ, इसको रखो यहाँ पे। ले भाई टेक दिस रूम। और अपने को टोटल मिल रहे हैं 473, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, टेक दिस पेमेंट। और अभी मेरे पास 590 रुपए हो गए, जिससे मैं नेक्स्ट रूम भी रेडी कर सकता हूँ। और आज के दिन सबसे पहले मैं नेक्स्ट रूम रेडी करूंगा, क्योंकि मुझे पेट्रोल नहीं मंगाना, पेट्रोल में भाई टाइम पास ज्यादा होता है, ठीक है। लोग बाग भरते रहते हैं, भरते ही रहते हैं और भरते ही रहते हैं। कार भी वैसे मुझे फिल करनी है 10, ऐसा मेरा मिशन आया हुआ है। बट उससे पहले मैं जा रहा हूँ अपने थर्ड रूम में और यहाँ देख के आता हूँ भाई यहाँ पे किस किस चीज की जरूरत है। पहले तो मेरे को पेंट बकेट्स वगैरह मंगानी पड़ेंगी, ठीक है वो मंगा लेता हूँ। आ जाओ भाई पेंट बकेट वगैरह मंगाते हैं, इक्विपमेंट्स में चलते हैं, पहले तो बिल्ड प्राइस में, ठीक है। अब मैं इसका बताओ वॉल्स किस कलर की करी जाए, एक जो वॉल है वो किस कलर की करी जाए। भाई मैं तो कह रहा हूँ एक वॉल करते हैं इस कलर की, ठीक है। और इससे पहले कितने डब्बे खत्म हुए थे मेरे को ये और देख के आने दो। इससे पहले एक ही डब्बा खत्म हुआ था शायद, है ना, हाँ एक ही डब्बा खत्म हुआ था, वो भी पूरा पूरा नहीं हुआ था यार, लेकिन यहाँ पे तो यही रखा हुआ है सिर्फ, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके ये रहे ना, ये देखो इसमें 2 रखे हुए हैं, 3 डब्बे मंगाए थे शायद मैंने, हाँ। तो चलते हैं, ये इस बार मैं 2 डब्बे मंगाने वाला हूँ, ठीक है बिल्ड प्राइस में चलो। और ये वाला मैं वॉलपेपर डालने वाला हूँ, थीम ये वाली डालने वाला हूँ। और बगल में वॉल्स इस कलर की करूंगा मैं, या फिर इस कलर की भी कर सकते हैं। रुक जाओ ये कलर ज्यादा बढ़िया लगेगा तीनों वॉल्स पे, तो 4 पेटी ये मंगा लो, 2 पेटी ये मंगा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं रूफ फ्लोर पे, ठीक है। फ्लोर अपन कराने वाले हैं इसके अंदर कुछ इस कलर का, या फिर अपन ये वाला कराया जाए, बताओ क्या कहते हैं। ये वाला भाई थोड़ा ओल्ड
लुक देगा, ये वाला कराते हैं। बाथरूम में भी यही कराएंगे। 100 टाइलें आ रही हैं, ठीक है, तो 4 बॉक्स मंगा लेते हैं। बाकी सीलिंग में चलते हैं। सीलिंग अपन ने जो पुरानी वाली कराई थी ना वही कराएंगे। ये शायद मेरे पास पड़े भी हैं 2 बॉक्सेस, रुक जाओ देखने दो। ये सीलिंग पड़ी है क्या मेरे पास? ओके सीलिंग पड़ी हुई है मेरे पास, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और मंगा रहा हूं। ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार काम आ जाएंगे। और भाई तेरे को क्या चाहिए तू बता? तेरे को चाहिए 1 बेडरूम? नहीं है भाई, सॉरी, नो रूम अवेलेबल। अभी मैं चलता हूँ इक्विपमेंट्स में, ठीक है, वापस से बिल्ड प्राइस में। चलो सीलिंग देख ली मैंने, सीलिंग ले ली है। इसके बाद पेंट में चलो, पेंट जो है कराना ही नहीं है पेंट तो अपने को। डेकोरेशन देखो भाई, अब डेकोरेशन में मैं स्कल लेने वाला हूँ, ठीक है, स्कल बढ़िया लग रहा है इस बार। एक अपना प्रॉपर डेकोरेट करने वाले हैं इस बार वाला कमरा जो है, और बाकी तो शॉप का आइटम है। इक्विपमेंट्स में चलते हैं। सबसे पहले बेड लो, ठीक है, बेड में लेने वाला हूँ ये वाला। ये लग रहा है भाई उस कलर पे जा रहा है जो मैं थीम लेना चाह रहा हूँ ना, उस पे जा रहा है। ये बेड लूंगा। बेडशीट में इसमें लेना चाहूंगा, बेड किस कलर का है? ग्रे से कलर का ना। बेडशीट में लूंगा इस पे ये वाली ली जाए यार, इसमें बेड के कलर का बेडशीट नहीं, ये कलर की ले लेते हैं। गंदा नहीं लगे बस यार, ये कलर की बेडशीट ले ली है। ब्लैंकेट में लेने वाला हूँ इसमें व्हाइट कलर का, नहीं ब्लैंकेट है इस कलर का, ब्लैंकेट भी ले लेते हैं इस कलर का। ये इस कलर का हो गया, ये इस कलर का हो गया, मजा नहीं आएगा यार। बेडशीट व्हाइट ही रखते हैं, ब्लैंकेट इस कलर का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पिलो में चलो, पिलो अपन रखने वाले हैं इसके ऊपर, व्हाइट कलर का रख लेते हैं पिलो। बेडशीट व्हाइट लिए ना, रुक जाओ, हाँ बेडशीट व्हाइट लिए, पिलो ले लेते हैं अपन ब्लैक कलर का, ठीक है। अब डोर देखते हैं भाई, इसका डोर अपन फ्रंट वाला भी अलग रखने वाले हैं कुछ तो तगड़ा सा। तगड़ा इसमें कौन सा लग रहा है भाई? ये और ये, इन दो में से एक लेते हैं डोर, बताओ कौन सा लिया जाए, या फिर ये वुडन वाला? मैं तो कह रहा हूँ ये वाला डोर लेते हैं। उसके बाद सीलिंग लैंप लेंगे अपन इसके अंदर। सीलिंग लैंप अपन ये वाली मंगाए तो कैसा लगेगा? एक ही ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद बाथ टब सिंक अपन वो ही लेते हैं जो हर बार मंगाते हैं ना, क्योंकि उसका पैटर्न अच्छा लगता है, ये वाला पैटर्न। और टॉवल में ले लेते हैं ये वाला टॉवल, बढ़िया लग रहा है। एक बॉक्स मंगा लेते हैं, 3 आएंगे इसमें। और टॉयलेट अपन मंगाने वाले इसमें ब्लैक कलर की। और रुक जाओ फिर तो, बाथ टब भी कोई ब्लैक है क्या? ओके बाथ टब ब्लैक है तो सही, ये वाला। और इसमें सिंक भी ब्लैक मंगाएंगे, रुक जाओ ये उठाओ। इसमें सिंक ब्लैक कलर की एक ये है, और तो कोई सी बढ़िया लग नहीं रही, यही मंगाते हैं ब्लैक कलर की, ठीक है। टॉयलेट ले लिया, टॉयलेट पेपर है। हीटर मंगाते हैं इसके अंदर अपन, ये सही लग रहा है इसमें हीटर, या फिर ये हीटर सही लग रहा है। रुक जाओ हीटर लगे बस ढंग से, ये वाले हीटर गंदे ना लगे इसमें, ये वाला हीटर ले लेता हूँ। कर्टेन्स में मैं लेने वाला हूँ इसमें, पहले तो शावर कर्टेन लेते हैं। शावर कर्टेन ये 3 है, ठीक है, 3 में से ये वाला सही लग रहा है, 2 एक लेना है कर्टेन। और फिर अंदर की साइड ये वाले कर्टेन डालेंगे भाई, क्या सही लगेंगे। लेट्स गो। सीट चाहिए अंदर के लिए, सीट अपन ऐड करते हैं। ये कैसे लग रहे हैं भाई? सोफा 15 नंबर का, या फिर ये अच्छा नहीं है, ये नहीं। रुक जाओ मेरे को तो ये लग रहा है भाई, ये वाला देख लेते हैं एक बार, ये कहाँ रखेंगे लेकिन, ठीक है ये ऐड कर लेते हैं। बट यार कलर मैच नहीं होगा इसलिए तो लिया है, देखते हैं बाद में। अबे मैं बिल नहीं देख रहा हूँ भाई, 1000 का बिल बैठ गया है वहाँ पे, मैं लिए जा रहा हूँ बस पागलों की तरह। और लैंप्स लेनी है मेरे को, 2 लैंप लेंगे ये वाली, थोड़ी पुराने जमाने का। टेबल लेनी पड़ेगी मेरे को इसमें, और टेबल कोई छोटी छोटी नहीं है क्या यार? छोटी टेबल्स हो तो मजा आ जाए। ये 2 टेबल ऐड करो, ठीक है, और 1 टेबल ऐड करो ये वाली। डेस्क में चलते हैं, डेस्क लेंगे अपन, कॉर्नर डेस्क कैसा लग रहा है ये वाला। और सीट में ना एक सेम ऐसी कुर्सी ले लेते हैं ये वाली, ठीक है, जिससे अपन एक टेबल प्रॉपर सेट करेंगे इसके अंदर। और डेस्क ये रही, ठीक है, डेस्क मैच हो रही है ना सीट से, डेस्क और कोई सी है क्या? यही है भाई डेस्क, ये अच्छी लग रही है। बाकी एक कस्टमर आ रखा है, कस्टमर को देख लो पहले। 2 रूम, अरे नहीं है भाई, 2 बेडरूम वाले ले लो ना। डिलीवरी में चलो, इक्विपमेंट्स में चलो, कहाँ पे था मैं? डेस्क पे था, ठीक है। अब ओके, एक अलमारी भी रखनी पड़ेगी इसके लिए मेरे को, और अलमारी मैं इसके लिए रखने वाला हूँ ये वाली। अच्छी लगेगी तो ही रखूंगा भाई, वरना है ना ये चीजें नहीं रखूंगा, इनको सेल कर दूंगा या तो हटा दूंगा वहां से। बाकी उसके लिए कुछ ड्रॉर्स रखी जाए क्या? ड्रॉर्स वाली जितनी जगह नहीं होगी यार। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ तो रखेंगे इसके लिए अपन। सबसे पहले तो अपन इसके लिए रखने वाले हैं कॉफी मशीन, ठीक है, कॉफी मशीन 3 रखते हैं डायरेक्ट। और ओवन वगैरह भी रख सकते हैं, क्या बात है, टोस्टर भी है, टोस्टर 2 अच्छा लग रहा है। टीवी कौन सी रखी जाए बताओ? टीवी में मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला, ठीक है, कर्व नहीं है ये रखने की ना सारी, ये शायद दीवार पे लगाने वाली, ये लेते हैं। और टीवी ये वाली भी ले सकते हैं भाई, सही लग रही है। बाकी एक एयर कंडीशनर चाहिए, कौन सा सही लग रहा है इसके अंदर? यही सही लगेगा नॉर्मल। एक आउटर यूनिट भी मंगा लेते हैं। चलो कारपेट देखनी है अब मेरे को इसके लिए, कुछ तो अलग सी कारपेट देखेंगे। कारपेट ये सही लग रही है, ठीक है ये ऐड कर लेते हैं। होल्डर्स इसमें चाहिए अपने को, ब्लैक कलर का टॉयलेट है ना, तो ब्लैक कलर के टॉयलेट पे होल्डर पहली बात तो एक तो ये ऐड करो, ठीक है। और एक बुक शेल्फ ऐड करते हैं, ठीक है, एक टॉवल रैक ऐड करते हैं, और एक टॉयलेट पेपर के लिए ऐड करना है ये वाला, ठीक है। बाथ हीटर, बाथ हीटर, बाथ हीटर, ओके बाथ हीटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बाथ हीटर में अपन ऐड करने वाले हैं ये, अभी लगेगा कहां ये मुझे नहीं पता है। बुक्स में मैं ऐड कर लेता हूं कुछ तो अलग अलग तरीके की, नॉवेल्स वगैरह, ठीक है भाई। ये 2000 रुपए बिल पहुंचा दिया है, मुझे नहीं पता
पता है कहां से आ रहा है ये बिल, ठीक है। हाँ, अभी शैंपू में इसके लिए वही रख देंगे यार, नॉर्मल लव साबुन। बाकी एसेसरीज में हैंड ड्रायर लेते हैं एक, ठीक है, और मिरर अपना वही वाला बढ़िया है। बाकी एक अलार्म क्लॉक और बस डन भाई। मुझे 2000 रुपए लाने, अब मुझे नहीं पता मैं कहां से लाऊंगा। इसको क्या चाहिए, वन बेडरूम चाहिए, रुक जा। नहीं है भाई, रूम नहीं है, ठीक है, मैं दो बेडरूम वाले को ही दूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग अब मेरे को बस पैसा ला के दे दो। 2000 रुपए चाहिए, कहीं मैंने ऐसी हवा हवा में ऐड तो निकल लिए वो सब। अरे भाई वो सब मंगाना भी है मेरे को, ऐसे ही नहीं पता पड़े बस ऐड करके छोड़ दियो, मंगा रहा हूँ 4 साल बाद। चलो अब इन सबको धोने में डालते हैं और इस रूम को करते हैं बंद। ये रूम प्रॉपर सही है भाई, दो जने आ ही नहीं रहे रहने, कहीं बताऊं मैं तुम्हें। चलो इसको डालते हैं इसमें और इसको करते हैं ऑन। जब तक ये बेड शीट्स वगैरह रखी हुई है अपने, इसको थोड़ा सा जमाते हैं। चलो इसको रखवाओ यहाँ, इसको रखवाओ यहाँ, इसको रखवाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट डब्बे को रखवाते हैं यहाँ पे। और ये सब खाली है क्या? ये खाली है, ये खाली है। चलो इसको सेल करो, इसको सेल करो, ठीक है। और इस कारपेट को रख देता हूँ मैं ऊपर, और इस कारपेट के ऊपर ये तकिया, और इसको रखते हैं यहाँ, ब्लैंकेट को रखते हैं यहाँ। चलो भाई डन हो गया है सारा काम। दो क्लॉक्स को लगा के यहाँ रख देता हूँ मैं। अबे उल्टी क्यों लग रही है, क्या बता भाई। इन दोनों क्लॉक्स को यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ की लाइट बंद चालू कर सकता हूँ। लाइट्स कहाँ लगी हुई इसमें? ओके, एक ये लाइट लगी हुई है ऊपर बड़ी सारी, ठीक है भाई। अभी मेरे कस्टमर आ रखे हैं थोड़े से शॉप पे और थोड़े से उस पे। तू बता भाई क्या चाहिए तेरे को? वन बेडरूम यार, क्यों भाई क्यों? वन बेडरूम क्यों चाहिए तुम लोगों को इतना है? इतना क्या पसंद है तुम्हें वन बेडरूम? चलो दो बेडरूम लेने आ जाओ, मना ही नहीं कर रहा मैं तुम लोगों को। थोड़ा पैसा तो आएगा कम से कम। बाकी कचरा कहाँ से आ रहा है? ये फेंको सारा कचरा, कम से कम यहाँ से तो फेंको भाई। चलो भाई यहाँ से सारा कचरा फेंक दिया। एक और कस्टमर जा रहा है और एक कस्टमर यहाँ पे है अपना, और शेट ये जाने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो ओ बिल कर दिया इसका भाई मैंने, क्या बात है। चलो इन दोनों का बिल भी मैं कर दूंगा अभी। एक अपना कस्टमर आ गया भाई, ये डबल बेडरूम ले ले कुछ अच्छे दामों पे तो मजा आ जाए। हेलो दीदी, अरे लो भाई रुक जाओ, होल्ड ऑन भाई होल्ड ऑन, अब नहीं आएंगे दो कमरे लेने, एक सेकंड रुकियो बेटा। मैं ना क्या ही करूंगा, लेकिन यार क्या ही करूंगा, 3 रूम ही तो है मेरे पास, कहां ही रखूंगा अगर इसमें मैं सिंगल बेड लगा भी देता हूं तो। लेकिन जब वो सिंगल बेड लेना चाह रही है ना, उसको सिंगल बेड ही दूंगा। बाहर में जाओ, बाहर में जाओ तुम लोग, तुमको इज्जत रास ही नहीं आती। पूरा बना बनाया बेड है, ठीक है। इसको उठाओ, एक इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, और ये तो रखा हुआ होगा। चलो भाई मैं सिंगल बेड लगाने वाला हूँ इसके अंदर, एक यहाँ, इसको लो इस पे बिछाओ, इसको लो इस पे बिछाओ, इसको लो यहाँ तक, ये को रख दो ऐसे, ठीक है। चल भाई ले ले, तू ले ले, समझ में आ रही है तेरे को, तू ले ले एक दिस रूम। चलो इसके 260 रुपए दे रही है, ले लेते हैं भाई पेमेंट। और अभी मेरे दोनों रूम भर चुके हैं, और अंदर चल जाऊं अगर मैं तो क्या होगा? अबे अंदर नहीं जा सकता, अरे भाई गेट बंद हो गया है, ठीक है। अभी मैं इस बेड को उठा लेता हूं और फिलहाल अंदर रख देता हूं, और अपन जाते हैं अब सो। मेरे को खर्चा नहीं करना है भाई, 800 रुपए तो हो गए, 2000 रुपए चाहिए बस। मैं इस कमरे का ऐसा तगड़ा आइटम मंगाऊंगा ना, तुम सोच नहीं सकते हो। और यहाँ पे इसमें मिरर है यार, क्या बात है, अंदर यहाँ पे मिरर है। और सुबह के 8 बज गए काम करते करते, और एक जना, अभी दो जने इस पे खड़े हुए हैं, बताया तो करो तुम जो ना यहाँ पे खड़े हो, आवाज दिया करो मेरे को, ठीक है। चलो आप जा सकते हैं, अभी मैं जाके सोऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से, मुझे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। या फिर मैं पेट्रोल भरा दूंगा, इन दो काम में से एक करूंगा। अभी सो जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है मेरे पास, उनसे मेरे को क्या करना है वो कल के दिन देखेंगे, जब मेरी पूरी एनर्जी हो जाए। बाकी कोई कस्टमर वगैरह आएगा तो मैं उठ जाऊंगा। हाँ दो कस्टमर आ रखे हैं, ठीक है। चलो अब मैं उठ के जा सकता हूँ इनके पास। और अभी शाम हो गई है, शाम नहीं दोपहर हुई होगी शायद। और ये देखना भाई किस तरीके से सुसु कर दी क्या तुमने, क्या करते हैं भाई, पेट खराब है भाई। हाजमोला लो, हाजमोला भी नहीं बिकती मेरे यहाँ पे, यहाँ पे हाजमोला लेने आया आते हो क्या सालो? लो तुम सामान लो फटाफट फटाफट, थैंक यू गुड जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, बस पैसा ही नहीं आ रहा। अरे करना भाई सामान दिखा दे तू अपना, 6 रुपए मिल गए। और ये मैडम आ गई है, चल मैडम अभी भाई मेरे को फ्यूल भरा लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने का। ओ टेस्ट क्या बात है भाई, क्या कौन लाया आई? ओ वाओ दीदी लाई, ओके हेलो डम 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 डर। अरे भाई हराम खोर लोग हैं भाई, हराम के पिल्ले हैं, पिल्ले को पिल्ले। वन बेडरूम सेट नहीं, भग जाओ। शॉप पे कस्टमर है, उसको फ्री करते हैं और वापस से सोते हैं भाई। मैं तो जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट गाइज। भाई फटाफट से इनके 4-5 घंटे हो जाएं, मतलब 24 घंटे जो भी थे इनके वो फटाफट हो जाएं, तो मैं ना थोड़ा बहुत काम कर लूं, पैसा वैसा आ जाए तो। और शॉप पे मेरा एक कस्टमर खड़ा हुआ है तो उसको देख के आ जाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो तुम। चलो मैं भाई जा रहा हूँ और जाके अपने ना पेट्रोल पंप भराता हूँ थोड़ा बहुत। और भाई यहाँ पे भी मेरा स्टार चालू हो चुका है क्योंकि अब मैं माइनस नहीं खा रहा हूँ। और ऑफिस में तो एक स्टार पूरा ही होने वाला है भाई, लेट्स गो। मैं चलता हूँ फ्यूल टैंक फिल कराता हूँ थोड़ा बहुत, फ्यूल में चलते हैं। और फ्यूल में ले लेता हूँ 100 रुपीज का। चलो भाई मैंने 100 रुपीज का ऑर्डर कर दिया, वापस से मेरे पास 800 रुपए बचे हैं और फ्यूल रिजर्व अभी कमी है, तो मैं सो जाता हूँ, वो भर जाएगा अपनी बाटली पेट्रोल की। चलो भाई शॉप पे कस्टमर आ रखा है, इसको भी देख के आएंगे, थोड़ा थोड़ा सो के दिन कर दूंगा अगला, देख रहे हो बात क्या लगे मेरी। लाओ भाई लाओ, हो गया। ओहो आई डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। चलो भाई सब जगह पोंछा मार दिया है। अब मैं ये भी ओपन करने वाला हूँ क्योंकि मेरा
टैंक फुल हो रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अबे ये देखना ये कहाँ कहाँ कचरा फैला रखा है इन लोगों ने। चलो भाई मैं जाके सोता हूँ, टैंक फुल हो जाएगा। एक सेकंड, रुक रुक रुक, मैं जो है गैस स्टेशन ऑन कर देता हूँ ना, जिससे लोग बाग आ जाएंगे मेरे गैस स्टेशन पर। लेट्स गो, गुड नाइट। अब मैं डायरेक्ट सुबह उठूंगा, और नहीं 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 उठना पड़ेगा, ये लोग बाग आ गए। और लाइट क्यों गई हुई भाई, एक सेकंड, अरे शिट हो गई, लाइट चली गई गाइस। मेरे यहाँ पे जनरेटर ऑन करना पड़ेगा मेरे को, जहाँ तक लगता है। ये मैंने जनरेटर ऑन कर दिया है और इसमें फ्यूल है अच्छा खासा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी और फ्यूल भर के ले आऊंगा। और इसके अंदर, अरे ये चला गया है कस्टमर, मेरे को लगा उसके अंदर भी कस्टमर था, मेरे को पता था। चलो इसको लगाओ इसके अंदर और इसको करो ऑन। 100 रुपए का पेट्रोल भरा है, 150 रुपए का मैं बेच पाऊंगा टोटल, जिसमें से आधा पैसा मैं फालतू भर देता हूँ, क्या ही तो पैसा कमाऊंगा यार। चल भाई तेरा पेट्रोल भर दिया मैंने, अगला आओ जल्दी जल्दी आओ, इसको उठाओ इसमें डालो और इसको चालू करो। चल भाई अब यहाँ का कस्टमर भी निपटा देता हूँ मैं, मस्त पैसा आ रहा है अपने पास। अभी मेरे पास 839 रुपीज हो गए। पर यार अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं है क्या इसके अंदर, अपग्रेड एकदम भयंकर हो जाए जो अपग्रेड। भाई कितना पेट्रोल भरा तेरे को, 7 पेट्रोल भर गया है, 12 पेट्रोल इसको टोटल भरना है। और ये डन हो गया, चल भाई ला दे, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ, बस। चल भाई चालू कर, ओके पावर सप्लाई आ गई है वापस अपने यहाँ पे। अब अपना जनरेटर बंद करके आना पड़ेगा। रुक जाओ इसको भर दूं पहले पूरा, और ये चल भाई दे दे, नेक्स्ट आ जा, फटाफट आ जा। ये मेरे को जनरेटर बंद करके आना, समझ में नहीं आ रही तेरे को, जल्दी बढ़ाया कर आगे गाड़ी। चल भाई, हाँ भाई जनरेटर ऑफ है कि नहीं है मेरा, टर्न ऑफ। अबे नहीं जनरेटर से चल रहा था, फिर अभी ऐसा क्यों बोला कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई मेरे यहाँ पे। कोई बात नहीं भाई, जनरेटर से चल रही इलेक्ट्रिसिटी मेरी। चलो भाई पेट्रोल पंप भर दिया है, चलने दो। और वापस से लो फ्यूल रिजर्व हो गया है, और कर लो बात, इसको भरो, इसके बाद नहीं भर पाऊंगा मैं। और हेलो सर आ जाओ भाई, कस्टमर आ जाओ फटाफट। चलो भाई इसका पेट्रोल ये हो गया, ठीक है ला भाई। अब मैं पेट्रोल पंप बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जनरेटर में भी काम आएगा पेट्रोल। और यहाँ पे भी एक कस्टमर आ चुका है, तो इसको भी, अरे यार एक आइटम लेके जा रहे हैं, इतना आइटम भर दिया है मैंने शॉप में कि कभी खत्म नहीं होगा भाई। ऑफिस में कस्टमर है, क्या चाहिए भाई, नहीं है, नो बेडरूम अवेलेबल। तुम क्या क्या लेके आ रहे हो, ये गजब बुद्धि वाले लोग है भाई, गजब बुद्धि वाले। गैस स्टेशन में बंद कर देता हूँ, और मेरे पास 915 रुपए वापस से हो चुके हैं। गुड नाइट गाइस, पेट्रोल भी खत्म हो गया, और क्या ही बताऊं, बाकी शॉप पे 2 कस्टमर आ गए हैं, तो चलो उनका काम करके आते हैं। और मैं ओवरस्लीप कर लेता, अभी ओवरस्लीप से पहले कस्टमर आ गए, इसलिए मैं कस्टमर्स को देख लेता हूँ। और भाई यही देंगे अब पैसा, भाई कस्टमर्स ही दे सकते हैं पैसा, क्योंकि अब पैसे कमाने की कोई जुगाड़ ही नहीं है जब तक वो शॉप मेरी होटल खाली नहीं कर देते। क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है क्या, क्या चाहिए दीदी आपको, बताओ मेरे को बताओ। हो दीदी लेस खाएंगी तो पेट में दर्द हो गई। ये लो एक तो पुलिस आ जाती हफ्ता खाने, थोड़ी थोड़ी देर में सड़े फिर आया तू, क्या दिक्कत है, पैसा ही नहीं कमा पा रहा हूँ मैं, फिर भी माथे पे चरने आ जाते हैं मेरे। लो भाई मैं ना पेट्रोल मंगा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और वापस से 100 रुपए का पेट्रोल मंगाऊंगा, 100 रुपए का बेच दूंगा, थोड़े बहुत तो पैसे बढ़ेंगे। 200 रुपए का मंगाता हूँ इस बार पेट्रोल, ठीक है, पूरे 200 रुपए का बेच के आऊंगा। चल भाई 200 रुपए का ऑर्डर कर दिया है मैंने, ठीक है। कार्ट जब से भरी पड़ी है, ये पूरी कार्ट मंगानी है भाई, जो एड कर रखा है ना ये पूरा मंगाना है, कुछ भी हो जाए। हाँ सर क्या चाहिए आपको, सर आपको नहीं मिलेगा, सर भग जाइए, थैंक्स बोलता है। चलो भाई अपने यहाँ पे शॉप पे कस्टमर आ रखे हैं, इसको फ्री करो, इसके बाद जो है डस्टबिन निकालो, ये थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है यहाँ ये उठा लो, ठीक है, और ये कर दो साफ। चल भाई सब कुछ साफ सुथरा कर दिया है इसको उठाने का, ठीक है, और अब इसको प्रॉपर जमा देता हूँ मैं यहाँ पे, इससे दिक्कत वाली बात नहीं आए, और इसको कर देते हैं लॉक अभी, ठीक है भाई। अभी मुझे गैस स्टेशन भी ओपन करना पड़ेगा, गैस स्टेशन में भी फ्यूल वगैरह आ गया होगा, रुक जाओ देख लें दो मेरे को। ओके गैस स्टेशन में फ्यूल भर रहा है शायद अभी। चलो भाई गैस स्टेशन भी ऑन करते हैं, और मैं जाता हूँ वापस से सो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पता पड़ जाता है, देखो वो आ गए, देखो शॉप पे 2 जने आ गए और फ्यूल टैंक पे 1-2 जने आ गए। चलो लेट्स गो, बस यही करना होता भाई, जल्दी जल्दी आ जाते, मस्त एकदम ट्रिक्स लगा देता हूँ मैं, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स। लाओ भाई लाओ, आपकी एक लेस ले लो, और आप आइए दीदी आपका जो है सामान ये लो। अभी फटाफट से चलते हैं और इसको लगाते हैं पेट्रोल की टंकी में, और इसको कर देते हैं भाई। मैं अगर बेड यहीं ले आऊं और यहीं सो जाऊं, कैसा आइडिया भाई जी, मैं बस करना चाह रहा हूं, मैं करूंगा नहीं ऐसा। देखो इसको उठाया बेड को, और मैं भारी लगाऊंगा साला, पेट्रोल पंप के बगल में सो जाऊंगा इसकी। चलो अभी इसको बंद करो पहले, तो इसको इसको पूरा करने देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट चलता है इसमें बेड पे सोने के बाद, तब बेनिफिट उठाते हैं अपन। ओके लेट्स, चल भाई ला दे दे इसके अंदर लगाओ, जल्दी जल्दी आओ, अरे आगे आओ ना चाचा, अरे आ जा भाई आ जा। कैसी कैसी गाड़ी ले आते हैं समझ में नहीं आ, कितना भराना है 5 मुझे पता ही था। ओ सो गया, ओए बस ओए बंद कर, अबे 2 सेकंड सोया, देखा तुमने कितना पेट्रोल भर गया। लेकिन ठीक है भाई, इससे 9 रुपए मिल गए भाई, आइडिया बुरा नहीं है, देखो आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, मैंने जो करा भी मैं बता दूं कहां काम आएगा ये भाई। हमारे यहां पे ऐसे असलियत में करते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप पे लोग सोए हुए होते हैं, देखो जो पेट्रोल ज्यादा भराएगा ना उस टाइम पे मैं सो जाऊंगा। ये 9 भरा रहा है, मैं सोता हूं 1 सेकंड के लिए और मैं उठ जाता हूं, तो ये देखो कितना हो गया, 7 हो गया है। और बस अभी 9 पे मैं इसको बंद कर दूंगा भाई। टिप्स एंड ट्रिक्स है भाई पैसा कमाने की, 1000 रुपया कमाने का है मेरे को, ऐसी थोड़ी आएगा 1000 रुपया मेरा। चलो
आ जाओ सर, आ जाओ। लाओ कितना भरना है, 12। ठीक है, अब मैं सोऊंगा और यहाँ मुझे दिख रहा है और उठ जाऊंगा। शिट, बहुत तेज भरा भाई इसके अंदर पेट्रोल। मैं 2 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा सो गया, बस 2 सेकंड के लिए। आ जाओ सर। और ये लग गई इनकी गाड़ी, इसको उठाओ, इसमें रखो और इनको 20 लीटर भराना है। सो जाता हूँ और मैं उठ जाता हूँ, बस इतने में इनका काम हो जाएगा। नहीं, एक बार वापस सोना पड़ेगा मेरे को और एक बार वापस उठना पड़ेगा। और इनका 13 लीटर हो गया है, लेट्स गो भाई। हो गया का 15, 16 और 17, 18, 19 और 20। लो भाई, चलो टास्क कंप्लीटेड। कौन सा भाई, वेयर हाउस। ओके, मैंने शायद सामान वगैरह जमा दिया ना, इस चक्कर से ये बोल रहा है कि अच्छा काम किया तुमने। चलो अभी कोई नहीं है कहीं पे भी, मैं जाता हूँ सो एंड गुड नाइट गाइस। जब से यहीं सोया करेंगे अपन। ओके, ऑफिस पे भी एक जना आ रखा है, शॉप पे 2 जने आ रखे हैं। इनका कर देते हैं बिलिंग। अब से भाई गाँव में मैंने क्या है, मेरे बापू के खेत वेत थे, खैर मेरे बापू का ही था ये, बापू कह रहा हूँ मैं। अरे फिर कचरा कर गए, दादाजी के थे ना भाई, दादाजी के खेत वेत होते हैं हमारे भाई, असलियत में ऐसे ही करते हैं लोग। पेट्रोल पंप पे सो जाते हैं। अरे क्या सीरियस, रहना 2 मिनट के लिए। हाँ, मैं कह रहा था भाई पेट्रोल पंप पे सो जाते हैं, और मतलब वहाँ दिखती है भाई खटिया डली हुई, हाईवे पे डली हुई दिखती है खटिया, हाईवे पे ऐसा लोग करते हैं। ठीक है, वैसा मैं कर रहा हूँ, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने कुछ गलती करी है। अब मैं जाता हूँ वापस। सो गुड नाइट गाइस। ओके, शॉप पे कस्टमर आ रखा है, बस थोड़े से मिनट्स कम होते मैं चला जाऊंगा। लेट्स गो, यहाँ पे कस्टमर आया है वापस, इसको करो बिलिंग फुल और आ जा बड़ी, आ जा यहाँ पे खड़ा हो जा थोड़ा सा। ठीक है, अब तुझे कितना पेट्रोल भराने का है ये ले, भरा ले। चल भाई 11 रुपए का पेट्रोल भराना है और ये 11 रुपए का पेट्रोल भर गया, मुझे पता है। ओके, कुछ देर में आदत हो जाएगी भाई, मुझे पता पढ़ने लगेगा कितनी कितनी देर में कितना कितना पेट्रोल भर रहा है। 8 रुपए का भर गया, 9 रुपए का भर गया और 11, 10। ओके, 10, 11। ओके डन। चल भाई औसम ही करता हूँ मैं काम सारे, चल लिपटा। अरे एक तो इतने धीरे धीरे आते हैं ना भाई, टंटाला लगाता है इनके पेट्रोल भरने को। ओके, 21 लीटर। सोएंगे आराम से, पता नहीं पड़ेगी कैसे। हम सोएंगे आराम से, पता नहीं पड़ेगी कैसे। एक बार और सोएंगे तो भर जाएंगे तुम्हारे पैसे। चलो बंद करो। ओके, चलने दो। लेट्स गो गाइस। ओके, वापस सो जाएंगे हम। अरे पेट्रोल तो इसमें डालो, डालो ना। अरे उठ जाओ। ठीक है, इसके अंदर डालो इसको। कितना भराना है, तू भरा? ठीक है, भरा रहा है ना? अरे भरा ना भाई, अंदर तो फ्री कराऊं मैं लोगों को, लोग बाग इंतजार कर रहे हैं मेरा। आई एम थैंक यू। चलो भाई अभी तेरा पेट्रोल कितना भरा है रे? तेरा पेट्रोल 5 रुपए का भर गया ना, 1 सेकंड सोएगा मैं और तेरा पेट्रोल भर जाएगा। देख पेट्रोल भराना। अरे 16 रुपए का भर गया। चलो चलने दो। 17 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए और 19, 1, 2। चलो चलने दो, आगे चलने भाई। अजय भाई आज क्या कर रहा है, क्या लगा रखा है तूने, ट्राइपॉड खाई? अच्छा ट्राइपॉड नहीं, सस्ती जुगाड़ लगा रखा। ओके, मैं सो जाता हूँ थोड़ा सा और पेट्रोल भरा कि नहीं तेरे। चलो इतने में अब मैं इसको फ्री कराता हूँ। लो भाई चल डन। अभी गाइस इसको करते हैं अपन स्टॉप और थोड़ा सा और भरना। चल भाई यहाँ का काम हो गया पूरा। एक कस्टमर अपने इस पे आया हुआ है होटल पे, इसको अटेंड कर लेते हैं वरना साला गिरा जाएगा अपनी रेटिंग। भाई सबको अटेंड कर रहा हूँ ना, देखो मेरी रेटिंग्स बढ़ रही है, पता है? अटेंड करने से रेटिंग्स बढ़ती है, क्या सही चीज है। 2 फ्यूल वाले आए हुए हैं, दोनों के फ्यूल भरेंगे, छोटी गाड़ी लेके आया। चल भाई एक बार सोऊंगा, एक बार मैं उठ जाऊंगा और यहाँ पे फ्यूल हो जाएगा पूरा। नहीं इतने में नहीं हो पाते। चल भाई तेरा फ्यूल हो गया, उठ जा और मैं जाता हूँ। नेक्स्ट आने दो चलने। अबे इलेक्ट्रिसिटी चली गई। जनरेटर में नहीं होगा पेट्रोल। मैं भर रहा हूँ 1 सेकंड भर रहा हूँ, ये ऑन कर था। चलो जल्दी इसके पेट्रोल भरने का है मेरे को, इसमें पेट्रोल डालो। अरे डालनी तो स्टार्ट करो और मैं जाता हूँ। अरे ज्यादा, अरे 17 रुपए, शिट 15 रुपए देके गया, 17 का पेट्रोल भर दिया मैंने। करंट टास्क अनलॉक 1 मोर शॉप प्लॉट। ओके, मैं शॉप का प्लॉट लॉट खोल सकता हूँ, बट यार किस काम का है वो मेरे किसी काम का नहीं है। सीधी बात तो ये है, क्योंकि ना शॉप बहुत धीरे धीरे चल रही है। 18 रुपए का भर दिया, लो फ्यूल रिजर्व आ गया और 1200 रुपए मेरे पास आ गए हैं। लेट्स गो, मैंने पैसे तो देखे ही नहीं ऊपर यार, कि मेरे को कितने पैसे मिल चुके हैं अभी तक। चलो इसको इसमें लगाओ और फटाफट से एक बार मैं चल के आता हूँ शॉप पे। कस्टमर खड़े हैं क्या थोड़ी बहुत? ओके, शॉप पे 2 कस्टमर खड़े तो हैं। लो, अरे टेकिंग टू लॉन्ग। नहीं मैडम, हो गया। लो चलो अभी जो है एक बार मुझे वहां जाके आने दो भाई। नींद भी पूरी हो जा रही है और सारा काम भी हो जा रहा है, देख रहे हो तुम। मेरे को फ्यूल मंगाना है थोड़ा बहुत, मैं 200 रुपए का फ्यूल वापस मंगा रहा हूँ। पैसा तो आ रहा है, देखो फ्यूल में चलते हैं। और इस बार मैं मंगाने वाला हूँ 360 रुपए का और मैंने ऑर्डर कर दिया है। लेट्स गो। अभी मेरे को बताओ अपग्रेड कहाँ से हो रहे थे? ओके, ये रहे। शॉप अपग्रेड करने की बोल रहा है, शॉप अपग्रेड नहीं करना यार मेरे को पता है क्या अपग्रेड करना है? मुझे अपग्रेड करना है मोटेल रूम्स अपग्रेड करने हैं, ठीक है, जो कि 3 स्टार के बाद होगा। शिट भाई, 1 स्टार पे मैं गेट रिड ऑफ पावर बैकआउट। ओके, पावर बैकआउट से रिड ऑफ हो सकता हूँ। फ्यूल स्टोरेज बढ़ा सकता हूँ मैं। पे फोन, ओके पे फोन लगा सकता हूँ, ये लगाना है ना। बस पार्क है, एडवर्टाइजमेंट है, पे फोन लगाते हैं। कितने का लग रहा है? 300 रुपए का। और ये कहाँ लग रहे हैं? अच्छा, ये अलग अलग चीजें अपग्रेड हो रही है, ठीक है समझ गया मैं। लॉट गैस स्टैंड भी 2 कर सकता हूँ 1000 रुपए में। भाई कर रहा हूँ 2 मिनट को, बस अभी पैसा लेके। अरे दीदी नहीं है दीदी, फ्यूल पे 30 सेकंड बचे हैं। आ रहा हूँ, आ गया। रुक जा भाई, पेट्रोल भर रहा हूँ तेरे। तू हेट माय लाइफ कर, कुछ कर, मुझे क्या लेना है ना। चलो भाई अभी सोता हूँ थोड़ा सा, आगे आने दो। इसको उठाओ, इसको लगाओ इसमें और इसको करो चालू, जब तक इन लोगों की भूख मिटा देता हूँ मैं। लो भाई खाना खाओ तुम लोग, ठीक है। हाँ भाई आ जा तेरा बच्चा। अभी तेरा पेट्रोल भरा कि नहीं भरा? भर गया है वापस, एक बार जाके आता हूँ मैं। एक और कस्टमर आ गया यहाँ।
और भाई कितना कचरा कूड़ा फैलाया है इन्हें। अमेजिंग फमेजिंग छोड़, तू कूड़ा करकट उठा जाएगा मेरे यहाँ से, तेरे को रोज की क्लेश दूंगा। रोक गाड़ी रोक, 13 रुपए का पेट्रोल भर दिया गलती से, ताले बंद कर दिया कर, उतर के सेल्फ सर्विस लगवाऊंगा यहाँ पे किसी दिन। ले भाई कल चालू कर पेट्रोल चालू कर, और कस्टमर इन ऑफिस ऑफिस, अरे ज्यादा भर जाएगा, ज्यादा भर जाएगा, 16.6 का भरा है प्रॉपर। लो भाई इसको डालो इसके अंदर, और अभी इस कस्टमर को कर देता हूँ मैं फ्री थोड़ा सा, ठीक है। अब ऑफिस वाले कस्टमर को और देखा थोड़ा। हाँ भाई क्या कर रहा तू है साले, बकवास नहीं करी ये तो। अरे चेकआउट के लिए आ गए, धन्यवाद भैया धन्यवाद। अरे बहुत दिन वेट करा हमने आपका, आप बहुत दिनों से हमारे यहाँ पे डोरा जमाए बैठे थे। डोरा 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 क्या होता है, कौन सा गेट खुल गया? अरे लोग कचरा ही कचरा करा है, कचरा ही कचरा करा है। भाई उठ के गई ना तब भी ऐसे ही थी उदास सी, पता नहीं क्यों। अब वो तो वो जाने, मुझे क्या लेना देना, मेरे को तो क्या लेना देना, मेरा काम करना है मैं। चलो भाई इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो। चलो अभी बचा हुआ सामान इसके अंदर फेंको। अरे क्या क्या खाया इस आदमी ने। अभी फ्यूल पे लोग बगा रखे हैं, फ्यूल भर देता हूँ मैं इनके लिए। 13 फ्यूल हो गया है पूरा। चलो चलने दे चलने दे, आगे चलने दे चलने दे। ला भाई तू भरियो, और 26 रुपए का भाई आराम से सोऊंगा एकदम प्यारी तरीके। कितने का हुआ, चलने दो सोने दो सोने दो। हो गया हो गया हो गया, 13 हो गया, 29 का भर दिया है। शिट हो गई मेरे साथ गलती से, शिट। थैंक यू सो मच बोल के जा रहा है साले, तू थैंक यू बोलेगा 13 तो मजे आ गए ना। चल भाई 5 रुपए का पेट्रोल भरना है तो सोऊंगा और उठ जाऊंगा, तेरे 5 रुपए का पेट्रोल हो गया। चल भाई ला इसमें डालो पेट्रोल, और भाई तू तो ज्यादा का भरा, 13 रुपए का भराना ना। चल जब तक मैं, अरे अरे सर, अरे ओ अरे ओ, भाग जाए, ऐसी करता हूं मैं, नौटंकियां देता रहता हूं। ओके पेशेंस पेशेंस लेवल, अरे अरे रुक रुक रुक, होल्ड ऑन करो होल्ड ऑन करो। तुम एक एक कमरा लेने आ रहे हो, एक एक कमरे दे देता हूं मैं तुम लोगों को, तुम लोग है ना, और किसी तमीज के लायक हो नहीं। बेडशीट दो इस पे, इसको बिछाओ ठीक है। उसके बाद एक मेरे को चाहिए ब्लैंकेट, इस पे इसको बिछाओ ठीक है। और यहाँ पे तुमने, अरे ये चुरा के ले जाते हैं साले, शैम्पू की बोतल इसको रख देते हैं यहाँ पे ठीक है। इसके बाद जो है टॉयलेट पेपर चाहिए ठीक है, टॉयलेट पेपर को रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ। चलो भाई सब कुछ डन हो गया है। एक कर्टेन और है मेरे पास, रुक जा कर्टेन बिछा दूं तेरे लिए। अरे ये कर्टेन नहीं है, कर्टेन कहाँ रखी है भाई, ये कर्टेन ये रही, इसको बिछा दो इस पे ठीक है। अभी तेरे लिए रूम रेडी है। चल भाई, अरे रुकियो रुकियो रुकियो, एक और जना आ रखा है, वेट अ मिनट, पीछे चल तू आइयो रे जरा। अरे आ गया नी, हां जे बात मैडम आई हूं जोड़ में। वन बेडरूम ही चाहिए यार इसको भी, वन बेडरूम चाहिए, क्या करा जाए बताओ। टेक दिस रूम कर देते हैं। चलो भाई टेक द पेमेंट, अभी मैं फटाफट से चलता हूं इसके पास। कहां 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 कहां, चल 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 चल, बिलिंग कर फटाफट फटाफट, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। अबे शिट, अबे मैं ये कब का छोड़ के गया इसको। अरे 19 रुपए दिए, 22 रुपए का पेट्रोल भरा, और ये भाई रुक गया, ये फुल होने के बाद कम से कम रुक गया, फैल नहीं रहा था। मैं भूल ही जाता हूँ, मैं पेट्रोल लगा के भूल जाता हूँ, कोई बात है। पेट्रोल आ रहा बहुत भयंकर, पेट्रोल के अलग नजारे। तो बंद कर, एक सेकंड बंद कर, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 4 3 2 1, नहीं वो जाना नहीं चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए, उसको अटेंड करना था। शिट 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 भाई, उसको अटेंड करना था मेरे को, अटेंड करता तो मेरी रेटिंग्स गिरती निकल। तू चला जा भाग जाए, मूड खराब हो गया मेरा, बकवास मत करिए। पेट्रोल भी खूब पड़ा है खैर मेरे पास, मैं भरूं पेट्रोल, और पेट्रोल भर रहा है 15 भरना है इसको। और फिर इस पे एक बंदा है, इसको करो फ्री ठीक है, जब तक मैं चलता हूँ यहाँ पे, और एक झपकी ले लेता हूँ, झपकी ले ली मैंने। चलो बंद करो, 10 रुपए का भर गया, 5 रुपए का भरना। चलो भाई 15.7 तेरा पेट्रोल हो गया पूरा, नेक्स्ट आने दो, नेक्स्ट आने दो, देसे काम करो पूरा ठीक। हाँ बेटा बताओ भाई, पहले मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, अब ऐसे कम से कम नींद तो पूरी हो रही है, कुछ भी बोलो तो नींद तो पूरी हो रही है ठीक है। चलो भरने दो, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। 17.5 का भर दिया है, 17.9 का भर दिया। चलो भाई लेट्स गो, टिप अलग मिल गई है मेरे को, नेक्स्ट लगाओ गाड़ी लगाओ फटाफट फटाफट, इतना टाइम लेता भर दूंगा आधे मिनट में। ले भाई पेट्रोल भर, इसको स्टार्ट कर, जब तक मैं जो है इसको फ्री कराऊं। हाँ दीदी अब बताओ क्या फ्री। अरे कूल काम करूं मैं जीवन में, पैदा हुआ था जब डॉक्टर ने बोला था कूल हुआ, क्या हुआ है। अरे हट जाओ जरा एक सेकंड, इसको ज्यादा पेट्रोल चला जाएगा। 9.5 भाई ने टंकी फुल कराई, देख रहे हो। आ जा भाई आ जा आ जा, आंदे 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 आंदी भरान दे, चलने दे, उतर जा बंद कर दे। ओके 13 रुपए का भरना है इसे, भरने दो 13 हो गया है, 13.9 एंड रेट। ओके लेट्स गो। चलो भाई अभी मेरे पास 1400 रुपए आ गए। मैं यार तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा रूम करूं या फिर अपने पेट्रोल पंप को बढ़ा सकता हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, चलो क्या क्या बढ़ा सकता हूं, इसको लेके चलते हैं ठीक है, और इसको अंदर रखेंगे बस। बहुत हो गया, बहुत देर इनके साथ नौटंकी कर ली मैंने, इनको रखो यहां पे। और सर जी अभी जो है मेरे पास रूम खाली है ठीक है, शॉप पे एक जना रखा है, उसको बाद में देखेंगे, पहले चलता हूं अपग्रेड्स पे। और मैं तुम्हें बता दूं देखो क्या क्या अपग्रेड है। शॉप का अपग्रेड है ये, थोड़ी सी शॉप बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट अपग्रेड है वेयर हाउस का, वेयर हाउस बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फ्यूल स्टोरेज, जो कि फ्यूल स्टोरेज बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट एक मोटेल रूम और आ जाएगा ठीक है। उसके बाद है पे फोन्स आ जाएंगे, और उसके बाद है बस स्टैंड आ जाएगा, जिसमें मेरे को क्या बेनिफिट है, बसेस इवेंचुअली मेक्स स्टॉप एंड ड्रॉप कस्टमर्स, तो मेरे को क्या बेनिफिट है भाई। और बाकी फ्यूल भरने के लिए एक और जगह आ जाएगी, और मोटेल पार्क लॉट भी आ सकता है, शॉप पार्क लॉट भी आ सकता है, स्टाफ रूम। ओके एक स्टाफ रूम मिल जाए तो कैसा रहे। गेट रिड ऑफ पावर बैकआउट ब्लैकआउट, पावर ब्लैकआउट भी खत्म हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं। ओके
क्यों ना मैं अपने मोटेल हाउस को बढ़ा दूं भाई, क्या कहते हो? 500 रुपए लेगा और अपग्रेड हो गया है, इसको कैंसिल करो। चलो भाई, अरे लाइट क्यों चली गई? एक सेकंड, लाइट यार, गेट रेड भी करना है मेरे को, ये चीज भी करनी है मेरे को, ठीक है। पेट्रोल है क्या? अरे पेट्रोल भर के लाओ, रुक जा रुक जा, जा रहा हूं। शॉप पे 4 कस्टमर है। अरे 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 भर दिया भाई, उसकी बिलिंग कर दी, 4 कस्टमर थे उस पे, ठीक है, कर दी सबकी बिलिंग करूंगा, क्योंकि ये जो है पैसा देने वाली पार्टी है। चलो भाई काम हो गया है, अभी जो है सबसे पहले इनकी लाइट चला के आता हूँ मैं। फ्यूल टैंक भरो और इसमें डालो, इसको करो ऑन, लाइट्स आ गई हैं, दोबारा से फ्यूल टैंक भरो, ठीक है, और इसको डालो इसमें, उसके बाद में एक बार और भर लेता हूँ, फ्यूल टैंक बाद में काम आएगा। चल भाई, अभी जो है तेरे को पेट्रोल भराने का, तू पेट्रोल भरा भैया, मेरे को कोई दिक्कत, भरा भाई भरा। मैं बेड ले आता हूँ भाई, बाहर बेड ले आता हूँ, मस्त एकदम काम हो रहा था, बेड पे सो जाओ काम हो जाएगा, बेड पे सो जाओ काम हो जाएगा। अरे कस्टमर आ गया, हेलो कैसे हुआ? चलो भाई यहाँ पे भी सामान खत्म होने लग गए मेरे तो अभी। अरे अरे पहले तो ना पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा, ओके 10 ही हुआ है, ठीक है 11, 12 और ये 3। चल भाई तेरा काम हो गया, अब नेक्स्ट बंदा आओ, जब तक मैं जो है कचरा वचरा भर लू यहाँ का, यहाँ पे कचरा बहुत कर गए थे तुम। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखना, अभी ये कौन कर रहा है ये कचरा? चल भाई अभी फटाफट से उठाओ, इसको डालो इसमें, ठीक है, और इसको करो ऑन। कस्टमर्स वगैरह आ रहे, मैं चलता हूँ फटाफट से और अपना बेड उठा के लाता हूँ भाई वापस से, वहां जाके सोएंगे अपन, तो वही पेट्रोल पंप पे मजा आ रहा था। बाकी अपनी स्टार फुल हो गई है रेटिंग, और अपना एक और रूम खुल गया है, अब तो रूम फुल करना ही पड़ेगा, रूम मंगवा दिया मैंने, ठीक है, इसको रखो यहाँ और इसको बंद करो, नहीं बंद मत करो, 13 हो गया है। चल भाई बंद कर, 13 हो गया है, अभी बच्चा है इसका 14 और ये हो गया तेरा पेट्रोल पूरा, इस पे रखो इसको। शॉप का कस्टमर आ रखा है, शॉप कस्टमर देखते हैं अपन। हेलो दीदी, इसको रखो इसके अंदर, और भाई 20 रुपए का पेट्रोल भरा रहा है, भराता रहे आराम से, सुबह तक भरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वापस हो जाऊंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बंद करो, 5 रुपए का पेट्रोल बचा है, जल्दी जल्दी भरा लो, और सुबह हो गई है भाई, लेट्स गो, एक और सुहाना दिन, और वापस से शायद बैटरी खत्म हो गई है। लाओ भाई लाओ, थैंक्स क्यों बोलते हो तुम लोग, पेट्रोल भरा है, पैसा लिया है, थैंक्स क्या बात। ला भाई इसला में भरा रहा है, ढंग के भराना वरना मार दूंगा, चल देखते हैं। 46 भाई, कितना पेट्रोल आता है क्या इसमें? सो जाता हूँ मेरा गया, एकदम बढ़िया से सोऊंगा। कितना पेट्रोल आया 31 का पेट्रोल आ गया, वापस सो जाता हूँ भाई, 40 का पेट्रोल आ गया, लेट्स गो भाई, इससे पैसा मिलने वाला, 54-55 रुपीज, लेट्स गो 46 और ये हो गया 46 भाई, एक ज्यादा भरा है मैंने, देख रहा तू चलता बन, ऐसे लोग बाग खूब आते हैं, मैंने खूब देखे हैं, ठीक है, बड़ी बात थोड़ी कर। चल भाई पेट्रोल भरा ले बढ़िया सा एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अरे कस्टमर्स वगैरह आ रखे, तेरा पेट्रोल भर रहा है, जब तक मैं थोड़ी बहुत कस्टमर निपटाया हूँ, क्या कहता है मत मेरे से कुछ कह मत, अमेजिंग नहीं हूँ मैं, अमेजिंग तो मैं हुई नहीं, बंद करो। 16.2 और 16.4 इसको डालो इसमें, ठीक है, अब चलते भगो, जोर से भगो इसको, क्या बोल रहा है ये देख के तो आए, जरा कौन है रे तू? नहीं है रूम, अरे 2 बेडरूम वाला आया है, क्या बताऊं मैं, मुंह मत लटका यार, मुझे खुद को चाहिए था 2 बेडरूम वाला, अब भरे हुए हैं सारे, मैं कर क्या सकता हूं बता, मेरी क्या गलती है इसमें, तू पहले आती पहले दे देता तेरे को। अब मैं तीसरा बेड बना रहा हूं, वो तीसरा बेड है ना डबल बेडरूम ही रहेगा, उसको सिंगल बेड नहीं करूंगा, आएंगे तो भरेगा, नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को। इसको लो इसमें डालो, इसको चलो ठीक है, मैं सो जाता हूं, गुड नाइट गाइस, और पेट्रोल भर दिया है हमने खूब सारा, बड़ा भयंकर। लो भाई 16 भर दिया इसके गलती से मैंने, ज्यादा भर दिया। हां अभी मेरे को देखो कुछ करने का था, मेरे पास 1100 रुपए हो चुके हैं, और अच्छा मैंने अपग्रेड कर दिया ना यार, इसलिए वरना 1100 रुपए मेरे पास ज्यादा होते, ठीक है भाई मैं सो रहा हूँ, मैं सो ही रहा हूँ, मैं जीवन भर सोऊंगा, मेरे पास और कोई काम नहीं। चल भाई अभी इसमें भी पेट्रोल खत्म होने वाला है, और क्या करा जाए भाई, दोबारा पेट्रोल मंगाया जाए, पेट्रोल से पैसा वैसा तो बन रहा है। अरे सो क्यों गया पागल है क्या तू, इसमें पेट्रोल भरना तो चालू कर, तब तो सोई। और भाई अपने शॉप की रेटिंग भी 1 होने वाली है पूरी पूरी, और यहाँ पे 24 हो गया लो फ्यूल रिजर्व, भाई हो गया खत्म फ्यूल मेरा। चल भाई कर दिया मैंने फ्यूल तेरा, मंगा लेता हूँ भाई फ्यूल मंगा लेता हूँ, उसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, जब तक ये लोग खाली नहीं करते अपने इसको रूम्स को, तब तक मैं फ्यूल मंगा लेता हूँ। डिलीवरी में चलो, फ्यूल्स में चलो, और इसको वापस फुल करो, 300 रुपए का फ्यूल मंगा रहा हूँ, और शायद इस बार जब तक 300 रुपए भरते हैं अपने, जब तक कस्टमर्स खाली हो जाएंगे तो 1 और रुपए मिल सकते हैं। चल भाई इसको चालू कर और मैं जाता हूँ, सो गुड नाइट। चल भाई तेरा हो गया, इसको रखो अंदर, एक कस्टमर आ रखा है। गुरु क्या चाहिए तो मैं नहीं है मेरा, थैंक्स क्या बोलता, अरे भगाया है तेरे को जोर से। हाँ भाई रुक जाओ, 21 हो गया है, 22 हो गया है, 22.3। चलो भाई गुड जॉब तो है ही मेरी, लेकिन पैसा नहीं आ रहा मेरी गुड जॉब। यहाँ पे कुछ सामान कम हुआ है क्या, देखते हैं, बची हुए सामान रखे जाए, बताओ क्या कहते हो। ये जो है मेरे पास कैंस है, मॉन्स्टर कैन है, मॉन्स्टर कैन, इसको मैं यहाँ रख सकता था, जो कि मैंने नहीं रखी है, इससे पिछली बार में रख सकता था मैं फुद्दू। एक और आइटम है मेरे पास, ये मैं रख सकता हूँ क्या? ओके रख दिया मैंने, जितना आ रहा था उतना आइटम रख दिया है। चलो पूरा आ गया, इसको बेचो ठीक है, उसके बाद ये मिल्क आ जाएगा क्या? ठीक है मिल्क आ रहा है, और ये बचा हुआ मिल्क भी मैंने रख दिया है, इसको बेच देते हैं, इसको रखते हैं, और ये भी मैंने पूरा रख दिया है। पेट्रोल तो नहीं लगा क्या है ना मैं, और ये भाई मैं भूल गया था, मेरे को लगा मैं पेट्रोल लगाया है। ठीक है चलो अभी मैं
मैं इन दोनों कस्टमर्स को निपटा लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ भाई चलो हो गया तुम्हारा काम, अभी जो है इसको रख दूँ थोड़ा सा, मैं रखूँ लिख इसमें रख पा रहा हूँ मैं। चलो जितना रख सकता था उतना रख दिया है। अबे उधर पेट्रोल भर रहा है, उधर पेट्रोल भर रहा है बंद, अरे चालू ही नहीं कराया, भरूंगा कहाँ से। चलो पेट्रोल भर दिया इसको 16 रुपए का, ये है मेरे पास, ये जम रहा हो तो ये जमा लो। देखो मैं तो सीधी बात करूँ, ओके इस पे जम रहा है, जमा दिया भाई जितना जम रहा था, बचा वो सामान फेंक दो। और भाई इस टाइम मेरे पास 890 रुपए है, कोई तो आ रखा है मेरे यहाँ पे ऑफिस में, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ओके चेकआउट के लिए आ गया है, लेट्स गो भाई। साफ सफाई कराऊं उस कमरे की मैं थोड़ी सी, और अरे कचरा इकट्ठा हो गया। अब मैं अपना रूम दूंगा ना तो भाई 200-300 रुपए तो आ ही जाएंगे। ये वाला रूम नहीं खाली हुआ है, ये वाला रूम खाली हुआ है जिसका बहुत ही प्यारा इंटीरियर था अकॉर्डिंग टू मी, हम लोग बता सकते हो बाकी कैसा है। इसको खोलो, इसको खोलो, इसको डालो, कचरा डाल दो, सर है सर है भाई ये दे दे। अब ये धोने डालने पड़ेंगे मेरे को क्योंकि शायद खत्म हो गया मेरे पास। मॉप से सब कुछ साफ कर देता हूँ मैं। चलो सब साफ हो गया, अब ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये अरे ये नहीं, सब उठा लिया है। इन सब सामान को लेके चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। चल भाई ये सामान उठाओ और इन सामानों को रखो यहाँ, ठीक है। अभी इसको 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 इसमें इसको इसमें इसको इसमें, और तीन ही डाल सकता हूँ भाई एक बार में मैं, तो वापस निकालता हूँ मैं, काम की चीज डालूंगा। देखो ये तीन ब्लैंकेट हैं और एक टावल है, तो एक बेडशीट डालो, एक ही डालो ठीक है, और एक बेडशीट और डाल देता हूँ मैं। लेट्स गो, क्या हुआ क्या हुआ ये क्या हुआ, कस्टमर भाग गया क्या मेरा कहीं का। लो भाई तुम्हारी तो मैंने ये कर दी है, बाकी तेरे में मैं पेट्रोल डाल दूंगा इसका। पेट्रोल तेरा हो गया पूरा, फेंका हो गया, और ये हो गया तेरे 9-2 9-2 11 हो जाओ, आ जाओ आ जाओ दूसरे आ जाओ। ऑफिस में एक जना खड़ा है, दिखाता हूँ मैं कितने पैसों का कौन सा रूम लेना चाह रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हेलो दीदी, वन बेडरूम सेट चाहिए ना, तो मैं एक काम करो होल्ड ऑन कर लो बस, मैं जरा देख लूँ। मेरे पास बेडशीट वगैरह तो धुल रही है यार, अब है ही होंगी नहीं मेरे पास बेडशीट, धुल रही है जब तक धुलती है जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जाओ, उनको मैं मना कर देता हूँ। कस्टमर एट ऑफिस, इस कस्टमर को भाई मैं मना कर देता हूँ ठीक है, रूम अवेलेबल नहीं है अभी। बाकी इनका पेट्रोल भर रहा है बढ़िया से, और पेट्रोल भरी जान दो। और ये अरे 13-14 भर गया भाई गलती से, यहीं खड़ा था पता नहीं क्या करता हूँ भाई, भगवान सुगन सपने देख रहा होता हूँ मैं यहाँ पे खड़े खड़े। भाई दूसरा बंदा आ गया और ये बड़ी गाड़ी लाया, इसमें बहुत ज्यादा भराई हो देख तू पेट्रोल, 26 का भरा रहा है ये बात। भरते जाओ भर, ओ उठते जाओ उठते, 23 का भर गया, भरा ले 24-25 और ये 26.1। चल भाई चलता भर, 34 रुपीज आ गए मेरे पास, 1000 रुपए होने वाले हैं। पेट्रोल भी खूब पड़ा हुआ है और एक रूम भी खाली पड़ा हुआ है सबसे बड़ी बात, ठीक है। 11 रुपए का पेट्रोल भरना है, 11 रुपए का भर देता हूँ और ये हो गया होगा इतनी देर में, तो 11 रुपए का चलता बन ले, खिला देते दे। और समी करता हूँ मैं काम, मेरी वॉशिंग मशीन ने धो दी होंगे। चलो भाई हेलो वॉशिंग मशीन, व्हाट आर यू डूइंग, हमने धोया नहीं है, जल्दी जल्दी धोया करो, फटाफट फटाफट काम किया। अरे ये धुले हुए हैं तो सही बेडशीट वगैरह, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे काम, मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसे काम जिससे मुझे जो है डबल वाले मिल जाए लोग बाग, मुझे डबल बेडरूम देना है। दीदी बात नो बकवास, काम चलाऊं फिद्दू बात, कोई आया क्यों नहीं यहाँ पे। अरे सारे यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या चाहिए तुमको, क्या लेते हो तुम, एक लेस लेके जाते हो एक पैकेट इतनी रात में। हाँ भाई अभी मैं जाता हूँ, सो गुड नाइट गाइस। अभी कोई नहीं आ रहा भाई शॉप पे, 2 जने आ गए, आने दो, ऑफिस में भी एक जना आ गया, लेट्स गो। अब चलते हैं, सबसे पहले तुमको फ्री कर दूं मैं, और भाई नेक्स्ट बताओ। चलो फ्यूल टैंक पे भी लोग बाग आ गए, पहले ऑफिस वाले को देख के आते हैं। ऑफिस वाला भाई 2 रूम ले लो ना, अरे फिर वन बेडरूम, होल्ड ऑन कर भाई, 2-4 जने और आ जाए तो कोई बैठा होएगा इनमें कस्टमर, अच्छा एक जना तो अंदर होगा, ठीक है भाई ठीक है। मैं यही बताऊं तुम लोगों को, जीवन बर्बाद हो गया मेरा। ये 29 का पेट्रोल भरा रहा है भाई, उस कस्टमर को मैं मना करके आता हूँ, ये लास्ट कस्टमर होगा जिसको मना करूंगा, अगर इसके बाद भी वन बेडरूम का आया है तो मैं उसको बेडरूम दे दूंगा। 2 बेड तो मैं हुई, बहुत गंदा हूँ। चलो अभी मैं जाता हूँ सो, ठीक है थोड़ा सा टाइम बीत जान दो, और यहाँ पे हो गया 2017 और टाइम बीत जान दो, 27 हो गया, 28 हो गया है, 29 हो गया है और ये 1 हो गया। चल भाई चलता बन, 21 रुपए का भरा रहा है तू पेट्रोल, भराता एकदम बढ़िया भरा रहा है, और 21 रुपए का पेट्रोल भर गया है तेरे, ये बनाता है साले। चल भाई अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे है क्या कोई, अरे इतने सारे जने कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो इतने सारे जने। चलो अभी फटाफट चलो, और इसको देख, इसको देखो की बोलती मैडम, वन बेडरूम होल्ड ऑन, कोई है क्या और नहीं है, वन बेडरूम ले रही है भाई ये फिर भी वापस, कोई बात ठीक है भाई वन बेडरूम ही ले लो तुम, और तुम्हें क्या ही बोलूं, ब्लैंकेट दे देता हूँ मैं तुम्हें एक तो, ठीक है, और बेडशीट दे देता हूँ, इसको इस पे डालो, इसको इस पे डालो, यहाँ पे सामान लगा देता हूँ। रुक जा तू एक काम कर, घाट में गई, अब आगे मुझे गुस्सा बहुत जोर से, जोर से वाली गुस्सा आगे चली जाए। आई एम वेरी बैड, ठीक है मैं दूंगा डबल बेड वाले को ही भाई, जो डबल बेड लेने आएगा ना उसी को दूंगा, और उसी को लगा के दूंगा 5-9 रुपए का पेट्रोल भरा रहा है ये, 9 रुपए का पेट्रोल भर गया। चल भाई तेरा 9 रुपए का पेट्रोल हो गया, अब तू चलता भाई। हेलो सर आप बताइए आप कितने का भराओगे, 14 रुपए, 14 मिनट सोऊंगा पूरा, हो गया आपका पेट्रोल, आप चलो मैं वापिस सोऊंगा, वापिस उठूंगा पेट्रोल डालूंगा और इधर चलूंगा उधर चलूंगा तुम लोगों की बिलिंग करूंगा। अरे 5 रुपए के लिए मैं इतनी दूर चला गया, हट जाओ, थैंक यू सो मच। ओ भाई बड़ी वेन आई है, देख पेट्रोल ज्यादा भराइए, बहुत टैंक है तेरे पास, 31, ये बात गुड नाइट गाइज, 31 रुपीज का पेट्रोल भरने में 31 मिनट को लगेंगे। चल भाई 31 का होने वाला है, 301। अरे
अरे ज्यादा बढ़िया। चलो अभी ऑफिस में कस्टमर आया हुआ है, देखते हैं भाई। दो बेडरूम लेने आया हो, प्लीज 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 प्लीज। हेलो, वन बेडरूम चलता है। आई एम वेरी सीरियस। इसको उठाओ, इसमें डालो, इसमें डालो। वो कितना पेट्रोल भराना था ये तो बता दे। हो गया इसका पेट्रोल, हो गया। चल भाई तेरा पेट्रोल हो गया है, तू आगे चलता बन। ये कस्टमर आया हुआ कहाँ है? ओ यहाँ पे खूब लोग आ रहे हैं। शॉप रेटिंग जो बढ़ रही है, दूसरा स्टार चालू हो गया है। सही है भाई, इसको करो बंद। 12 रुपए का भर गया है। 13, 14, 15, 16 और ये हो गया। वापिस से गुड नाइट, वापिस से उठ जाओ। इसको लगा दो झिंगा लाला। हेलो, चलो भाई मैं जाता हूँ वापिस से सो और वापिस से उठ। उसके बाद ले लेता हूँ इनसे पैसे। दे दो पैसे, दे दो। 1200 रुपए हो गए हैं। ये बात बस कुछ देर और दो रूम वाला आ गया हो प्लीज भाई, पैसा मिल जाएगा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ये सब कुछ बाहर पटक दूंगा, ये दोबारा धुल जाएंगे। लाओ मेरे को दो बेड, ठीक है। अरे हटो ना, तकियों। डबल बेडरूम लेने आई है मैडम, मैं ऐसी थोड़ी है, जाने ना दूंगा मैं तुम्हें। नहीं जाने नहीं दूंगा मैं ऐसे कहीं, तुम मेरे यहीं रहोगे ना। इलेक्ट्रिसिटी वापिस खत्म हो गई ना, ऐसे क्यों कर रहे हो ना, रुक जाओ ना। इसको यहाँ रखो, ठीक है। और लास्ट टावल और लाना है मेरे को, और इस टावल को रखना है। ओ शिट, शिट हो गई है, शिट हो गई है। रुक जाओ, कस्टमर कितनी देर के लिए? 1 पॉइंट, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। टॉयलेट पेपर लगना है एक यहाँ पे, ठीक है। और एक मेरे को टॉयलेटरी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। और एक मुझे चाहिए टावल। लेट्स गो भाई, हो गया काम, हो गया काम, हो गया। रुक जा रुक जा, दो नंबर की पड़ी है ना यहाँ पे, ले तू की ले ले, दो नंबर की। टेक दिस रूम। और मेरे पास 430 रुपए आ रहे हैं। टेक दिस पेमेंट भाई, थैंक यू। पेट्रोल डाल के आऊं पहले तो, पेट्रोल डाल के आऊं। फ्यूल वाले भी खड़े हैं खूब कतई। अरे पेट्रोल भरा तो रखा था मैंने, रुक जाओ। इसको इसमें डालो, कुछ और चालू करो। इसके बाद जो है इसमें जाने का, इसको लेने का, इसको भरने का और फिर सो जाने का। वो ज्यादा भर दिया, वो ज्यादा भर दिया। अरे वापस डाल। चलो भाई अभी मेरे पास 1700 रुपए हो चुके हैं और मेरे को बस 1800 रुपए कुछ करने हैं। रुक जाओ, इसको कितना फ्यूल भरने का है? 9। अरे नहीं यार, इसका यहीं भर के जाता हूं। और तुम्हें बताता हूं मेरे को कितना फ्यूल भरना है। और इसके ज्यादा भर दिया मैंने, 14 भर दिया। बहुत बढ़िया, ऐसे तो मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूं अपना, बताओ, बर्बादी कर रहा हूं। ओ नैनो आई है। गाइज नैनो देखी तुमने? तुमने तो नहीं देखी हो, तुमने कहा नैनो देखी। लो 4 लीटर भर देता हूं इसके अंदर और वापस उठ जाता हूं और इसका बंद कर देता हूं। 4 लीटर हो गया, चलो ये हो गया इसका 7.3 लीटर। चल भाई नैनो चल ले। अब मैं बताता हूं गाइज मेरे को कितने पैसे चाहिए। टोटल 726 रुपीज हो गए मेरे को। टोटल बताओ कितने रुपए चाहिए। और भाई मेरा दूसरा स्टार भी यहाँ चालू हो गया है। बाकी इसको रूम चेकआउट करने आ गई भाई। और इसने टिप क्यों दी है? इस बात की टिप दी है भाई, रूम खाली हो चुका है मेरा एक। और लो अब तो मेरे को पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है, हो गया मेरा काम। ऑर्डर में चलते हैं। कार्ट 1900, अच्छा 1800 की नीति। अरे शिट हो गई है, तो शिट हो गई। रुक जाओ डबल बेडरूम लगा देता हूँ। डबल बेडरूम हो जाएगा ये वापस से मेरा, अगर कोई डबल वाला आता है। और अगर मैं थोड़ा सा वेट करूँ ना तो डबल बेडरूम वाले लोग बाग आ जाते हैं। बस मैं जल्दी देने के चक्कर में मैं दे देता हूँ। इस चक्कर से मेरे को डबल बेडरूम वाला बंदा नहीं मिलता है। इसको उठाओ और कारपेट भी गंदी कर देते हैं क्या? हाँ। अबे इसके अंदर सामान डाल के, पागल है क्या ये? हद्दी होगी भाई, इसके अंदर तक भी सामान भरे पड़े हैं। चलो अभी जो है ये सारा सामान उठा लेता हूँ मैं। ये उठाओ और ये उठाओ, ये उठाओ। अभी इसको लेके चलने का है मेरे को, भार भार और भार। चलो अभी काम डन हो गया है। इसको उठाते हैं बेड को और इसको, अरे थोड़ा सा इस बेड को इधर करना पड़ेगा। ये टेढ़े क्यों हो जाते हैं ये बेड? साले बुद्धि नहीं है क्या तुम लोगों में? टेढ़े नहीं रखने हैं मेरे को तो, नहीं रखने। अरे तकिया नीचे रख दिया, गंदा हो जाएगा। रुक जाओ, इसको यहाँ रखो। झाड़ू लगाओ पहले ढंग से पूरे कमरे में, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं झाड़ू। चलो भाई झाड़ू लग गई है प्रॉपर। और इसको अटैच करके लगा देते हैं, तकिए को रखते हैं यहाँ पे। और अभी मेरे वेयर हाउस में बेडशीट वगैरह पड़ी होगी। बेडशीट, अबे बेडशीट नहीं है, ब्लैंकेट तो एक है लेकिन बेडशीट क्यों नहीं है? ओके एक और की आ गई क्या? अच्छा 2 बेडरूम चाहिए। वेट अ मिनट बड़ी, आ गया डबल बेडरूम वाला लेने आया है। प्लीज बेडशीट हो जाए मेरे पास, बेडशीट हो जाए प्लीज प्लीज। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो ही जाएगा इसमें। ओके बेडशीट आ गई है शायद, और ब्लैंकेट भी आ गया है, हो जाएगा काम, हो गया लेट्स गो। चलो भाई बेडशीट ये दो, इसको यहाँ रखो और दूसरी बेडशीट को यहाँ रखो। इसको उठाओ इस पे पहनाओ, इसको उठाओ इस पे पहनाओ, इसको उठाओ इस पे पहनाओ, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को चाहिए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट ये रहा भाई, प्रॉपर चीजें हैं मेरे पास। इसको यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट मेरे को चाहिए पिलो, ठीक है पिलो, एक पिलो है मेरे पास, इसको रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद मुझे चाहिए टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर कहाँ है ये रहा, टॉयलेट पेपर को रखते हैं यहाँ पे, इसको लगाओ इसके अंदर। इसके बाद मुझे चाहिए एक हैंड सोप को, हैंड सोप, और इसको रखते हैं यहाँ पे। चलो भाई अंदर का पूरा काम जचा दिया। ओके टॉयलेट टावल नहीं है मेरे पास, टावल कहाँ है, टावल टावल टावल। ओके दो टावल रखे हुए हैं, लेट्स गो। इसको रखो यहाँ पे। और अब आने वाला है ना भाई पैसा, सब कुछ सेट है, ये भी सब
कुछ सेट है, ये कमरे में सब कुछ सेट है, चल भाई चल 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 चल। और ये कौन से कमरे की चाबी है रखी हुई है यहाँ? ये एक कमरा सेट करा ना मैंने डबल बेडरूम का, ठीक है एक कमरा सेट करा, ये कौन सी चाबी है मेरे पास? दूसरे ओके रूम वन टू ओके ये है ना वन वाली, इस की को रखते हैं यहाँ पे, और ये वन वाले बेडरूम है जो डबल बेडरूम है। चलो आप जा सकते हैं, टेक दिस रूम एंड डन भाई डन। ये 248 रुपीस दे रहा है और मेरा काम बन गया है, टेक द पेमेंट एंड लेट्स गो। मेरे पास रुपए आ चुके हैं मेरा ऑर्डर करने के। डिलीवरी देखो कार्ट, अरे स्मॉल वैन नहीं भाई, ले बिग ट्रक में आएगा ये सामान, ठीक है ट्रक में। ट्रक का मेरे को 1980 रुपीस देने, बस एक के पेट्रोल और भरना है और मेरा काम हो जाएगा। शॉप में दो जने खड़े और मेरी शॉप की रेटिंग्स घटे जा रही है, शिट हो गई है क्योंकि नहीं ऐसे मत करो ना यार, ऐसे मत करो मेरी जान, रुक जाओ ना भाई। कोई ऑफिस पे तो कोई नहीं है और मेरे तीन रूम भर चुके हैं, ओके तीसरा रूम नहीं भरा है अभी, दो रूम भर चुके हैं, दोनों डबल बेडरूम लेके रखे हैं शायद मैंने, और 1987 रुपीस हो गए। इन तीनों के मैं पेट्रोल भरता हूँ, उसके बाद मैं पेट्रोल पंप करने वाला हूँ बंद, ठीक है। ये कितना भर रहा है? 24। सो जाता हूँ थोड़ी देर, अब देखता हूँ, वापस सो जाता हूँ थोड़ी देर और अब देखता हूँ, इसको करता हूँ ओके। इसका पेट्रोल पूरा हो गया है, इसको निकालो और इसमें डालो। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी जल्दी आते जाओ, ठीक है। तुम्हारा पेट्रोल भरने के बाद मैं तुम्हारी ये गैस स्टेशन बंद करने वाला हूँ। अरे यार मैं पहले ही बंद करा था। अरे नो 34 रुपीस देगा ये भाई। ले भाई भर दे भर दे भर दे, आराम से भर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी और भर ले आराम से। चल भाई चल 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 बंद कर। 37 भर दिया है, दिक्कत हो गई लो, 48 रुपीस दिए लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये लास्ट बंदा बचा है अपने पास, इसको पेट्रोल भर देते हैं, और 10 रुपए का पेट्रोल भरा रहा है तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलो भाई ये इसका पेट्रोल डन हो गया है, चल भाई लेट्स गो। पेट्रोल भी खत्म हो गया मेरे यहाँ पे, इसको उठा लेते हैं बेड को और फटाफट से चलते हैं अपने यहाँ पे और ऑर्डर करते हैं। भाई कितना टाइम वेट करा इस ऑर्डर के लिए और फाइनली मैं ये ऑर्डर करने जा रहा हूँ। चलो सबसे पहले ना एक काम करने दो, गैस स्टेशन बंद करो, हाँ शॉप चलने दो, शॉप में एक जन आया हुआ है वो भी फ्री करता हूं मैं, पहले कचरा वचरा उठाओ। चलो अभी मुझे देखने दो भाई ऑर्डर में क्या क्या आ रहा है। 1980 का ऑर्डर है, 2000 रुपए मेरे पास है, और भाई और कुछ मंगाना चाहूं तो वो भी मंगा सकता हूं लेकिन अभी कोई जरूरत है नहीं मेरे को, लेकिन देख लेते हैं। फ्यूल वगैरह मंगाना पड़ेगा ना भाई? नहीं मंगा रहा, इसी को अपन ऑर्डर करते हैं। 6 घंटे में अपने पास इतना आइटम आ जाएगा, जमाते जमाते थक जाऊंगा बट वो जमेगा नहीं। बस भाई अब ऑर्डर का इंतजार है और ये आ जाएगा 1745 पे, लेकिन जब तक लिए बस इतना ही। और भाई अब जो अपना रूम बनने वाला है ना वो अल्टीमेट बनने वाला है भाई, तो अगला एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना, अभी सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।